वाल्मीकि समाज के दो पक्षों में हुआ विवाद। विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के दो भाइयों को मारी गोली। मामला शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र का है, जहां कृषि मंडी के गेट के पास अजय वाल्मीकि कई सालों से मुर्गा मछली की दुकान चलाते आ रहे हैं। दूसरे पक्ष ने भी मृतक अजय की दुकान के पास मुर्गी मछली की दुकान एक डिब्बे में रख ली, जिसमें आए दिन दुकानदारी को लेकर विवाद होने लगा। लाइट की डोरी डालने पर विवाद हुआ और पूर्व में भी कई बार विवाद हो चुका था। विवाद इतना बड़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलियां चला दी, जिससे दो भाइयों की मृत्यु मौके पर हुई और दो अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर थाने के सामने चक्का जाम किया। लगभग 3 घंटे तक चक्का जाम किया। इसके बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिला कि आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा करने के बाद बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। प्रशासन ने फरार आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है। एसडीओपी प्रशांत शर्मा की समझाइश पर पीड़ित परिवार ने चक्का जाम खोला। पीड़ित परिवार ने बताया कि सागर घावरी, जो कि पार्षद है, उसने और उसके पिता शेर सिंह घावरी अन्य 6 लोगों के साथ 312 बोर की 2-2 लाइसेंसी बंदूक और कुछ अवैध हथियार लेकर आए थे और आते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के चलते विजय और अजय दोनों भाइयों को 2-2 गोलियां लगी है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने सागर घावरी, शेर सिंह घावरी, अमर घावरी, कल्लू घावरी, संतोष, मनीष, सौरभ, राजेंद्र पर धारा 302, धारा 307 और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। संवाददाता सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। सर, एक मामला सामने आया था जहां 2 लोगों की मृत्यु हुई, एक घायल हुआ गोली लगने से, और प्रशासन से उन्होंने मांग की थी कि जो आरोपी है उनके घरों पर बुलडोजर चला जाए। क्या कुछ कहेंगे? इन लोगों का कहना था, इस संबंध में थाना प्रभारी द्वारा हमें जानकारी दी गई लिखित में, तो हमने नगर पालिका से जाँच कराई। उनके जो अपराधी लोग हैं, उनके 8 लोग जो नामजद हैं, उनके मकानों की जांच करने पर पाया गया है कि उनके मकान नजूल आबादी में बने हुए हैं और उनके द्वारा जो विधिवत अनुज्ञा लेना था नगर परिषद से, वो नहीं ली गई है। तो उस संबंध में सीएमओ द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और जैसे जो 24 घंटे की समयावधि है उसके बाद पूरी होते ही कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो चक्का जाम लगाया था सर, उसमें क्या आपकी तरफ से इस तरह का आश्वासन दिया गया है कि कल सुबह तक उनके मकानों पर बुलडोजर चल जाएंगे? हाँ, वो 24 घंटे बाद कार्रवाई करेंगे। सर, 2 पक्षों में विवाद हुआ था जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई, घायल था, क्या है पूरा मामला? ये कल शाम 6:30 के लगभग पिछोर में मंडी के पास मीट मार्केट में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, उसके बाद गोलीबारी हुई जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया, इसमें 8 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। हमारे एसपी सर ने जो फरार आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित किया हुआ है और अभी हम पता कर रहे हैं कि उनमें से किन किन के पास शस्त्र लाइसेंस है, उनको भी निलंबित किए जाने का प्रस्ताव हम श्रीमान कलेक्टर महोदय को भेजेंगे। ये अभी हमने नाम प्रतिवेदन भेजा है, शीघ्र ही उसमें नाम घोषित होकर आ जाएगा। कितने आरोपी हैं सर? इसमें 8 नामजद आरोपी हैं। और बकाया सर चक्का जाम किया, क्या कुछ उनकी मांगे थी? परिजनों की मांगे थी कि जो आरोपीगण हैं उनके घर यदि अवैध निर्माण में दायरे में आ रहे हैं तो उनको तोड़ा जाए। तो सीएमओ साहब और एसडीएम साहब भी इसमें अपनी कागजी कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी होगा आगे हम आपको बताएंगे। बुलवाने के लिए सर क्या आश्वासन दिया है उनकी? भाभी, आज ये सभी लोगों ने चक्का जाम किया है, क्या मांग कर रही हैं आप पुलिस से? मैं तो सजा दीजिए, मैं सजा फांसी की सजा, फांसी की सजा, मेरी आदमी की जान चाहिए, तो जान जाने चाहिए, उनकी भी जान जाने चाहिए, घर पे बुलडोजर चढ़ा दो। अच्छा, जो जो खत्म हुए कौन थे आपके? हम पति पति थे आपके? पति थे और एक देवर थे। अच्छा, दोनों की हत्या की है? दोनों की कर दी। अच्छा, तो अब आप प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं? क्या मांग है आपकी? घर में बिलडोजर चला दो, फांसी की सजा दो, फांसी दो, फांसी। जो 8 आरोपी हैं सबको फांसी दो? 8 को, 8 को, 11 आरोपी हैं, 11 है।
तभी ये चक्का जाम खोलेंगे आप। जब तक आपको जब तक न्याय नहीं मिलता जब तक मलखान घाबरी। अच्छा मलखान, ये जो खत्म हुए हैं कौन थे आपके? मेरे चाचा। क्या हुआ मुर्गा की दुकान मेरे चाचा खोले थे 10 साल से, उनने 2-4 दिन में लगा ली नई दुकान। सागर घाबरी, मनीष घाबरी, अमर घाबरी, शेर सिंह घाबरी, इनने कल्लू डॉक्टर, हाँ तो उनने बोला हमारे डोरी में क्यों टच कर ली तुमने डोरी, तुम कौन होते तो मैं वैसे ही मार के फेंक देंगे हम। सुबह चाचा ने हमसे बोला का बेटा मत बोलो तुम, तो हम लोग बैठ गए। पता नहीं सर कैसे आए गाड़ी लेके एकदम, बस गोली चलाना स्टार्ट कर दिया उन पे। हाँ तो गोली लगने से मेरे दोनों चाचा की स्पॉट पे ही मौत हो चुकी है। राइफलें लेते हुए तो 15-20 लोग थे वे। कितनी बंदूकें थी? 4-5 बंदूकें थी, 2 से मैंने फायर कर रहे थे, 2-3 बैसी पे ले थे, 2 नंबर की 5-6। हाँ 2 लाइसेंस की बंदूक थी उनकी और 5-6 बैसी लेते हुए 2 नंबरी वाली। हाँ तो स्पॉट पे ही गोलियाँ चलाई उनने बैठे में एक दी चाचा में, कहा तू ही है सबसे मेन तो हमारा। हमने मुर्गा की हाँ 2-4 बार और धमकी दे दी तो उनने मानने की, जब से बंदूक ली थी तुम्हें मार के छोड़ेंगे, तुम ही स्पॉट मैन हो मोहल्ले के सब। अच्छा तो आपको भी चोट आई है? हाँ हमें गोली दी, हम दुख गया तो निकल गई बगल से वो गोली के छर्रे लगे। हाँ तो पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं गिरफ्तार हो जाए, उनके मकानों पे बिल्डोजर चले, यही मांग करते हैं हम प्रशासन से, न्याय चाहते हैं।